डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 7th मैथ्स। चैप्टर नेम है डेसिमल्स। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें आगे कहा है कि डिवाइड करिए 14/5, यानी 14 को डिवाइड करना है 5 से। तो हम डिवाइड करेंगे इसको 5, जो हम जिससे डिवाइड करना है उस वैल्यू को बाहर रखेंगे ब्रेक डिवाइड के, और 14 को डिवाइड में लिखेंगे। तो 5 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 14 डिवाइड हो जाए, 5 2 10, ठीक है। 10 लिखा, माइनस करेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए आपने डेसिमल लगाया, और डेसिमल लगा के 0 को कैरी कर लेंगे। तो अभी हो गया 4, 40 बन गया ये। तो 5 8 40, 40 सॉल्व करेंगे माइनस करके, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.8। सेम एज इसी का डी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन 6 का, उसमें भी डिवाइड करना है 23 को बाय 40। तो आपने पहले लिखा 23, ठीक है, 23 डिवाइड नहीं हो पाएगा 40 से, क्योंकि 23 स्मॉलर है 40 से। तो आप क्या करेंगे, 0 और पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 को आप कैरी कर लेंगे। तो अभी हो गया 230। 40 की टेबल कितनी बार पड़ेगी, 230 डिवाइड हो जाए 5 से, 45 200, माइनस करेंगे क्या बचा 30, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार डेसिमल ले चुके हैं। तो हम एक 0 को अपनी तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, एक 0 को कैरी कर सकते हैं। तो ये हो गया 30 के बाद एक 0 कैरी करा, तो ये हो गया 300। अब 40 की टेबल कितनी बार पड़ेगी, 300 डिवाइड हो जाए 47 200, माइनस कर दिया इसको, माइनस कर देंगे बचेगा 20। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी हमने डेसिमल लिया हुआ है, एक 0 को और एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 200। अब 45 200, तो यहाँ पर आपकी जो आंसर वैल्यू आएगी वो आएगी 0.575। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है द कॉस्ट ऑफ 10 रिबन्स इज ₹35.50। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 रिबन, 1 मीटर रिबन की कॉस्ट क्या होगी अगर 10 मीटर रिबन्स की, ठीक है, या 10 रिबन्स की कॉस्ट जो है वो ₹35.50। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 10 रिबन्स ₹35.50, कॉस्ट ऑफ 1 रिबन की कॉस्ट होगी 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। डिवीज़न वैसे ही है जैसे हमने पहले सीखा है, 10 से 35 को डिवाइड करना है, 10 से 30 सब पे करेंगे 5 बचेगा, क्योंकि आगे और कोई पॉइंट आगे डेसिमल है, इस डेसिमल को ऊपर ले गए और आपने अगला डिजिट नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 10 5 50, माइनस किया 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ आगे 0 है तो 0 को हमने नीचे ले लिया, कैरी कर लिया आगे, और फिर दोबारा से करेंगे तो 10 5 50, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ₹3.55। ये कॉस्ट है 1 रिबन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल में नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 2.9484 है। अगर उनमें से एक डेसिमल जो है वो 0.78 है, फाइंड द अदर, दूसरा डेसिमल क्या है वो निकालना है। तो आप सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, 2.9484, वन ऑफ देम उनमें से एक कितना है, उनमें से एक वैल्यू है आपकी 0.78। तो अदर डेसिमल को निकालने के लिए आप डिवाइड कर देंगे इसको, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2.9484 अपॉन में 0.78, क्योंकि हम जिस नंबर से डिवाइड करें वो भी पॉइंट में, तो हम डेसिमल को हटा देंगे यहाँ से, नीचे से जब डेसिमल हटेगा तो एक और एक दो डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर 100 वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद है तो नीचे आ जाएगा 10,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर बचा 2.9484 और नीचे आएगा 7800, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर आपकी जो वैल्यू है, जैसे कि आपने पहले डिवीजन किए हैं, सेम उसी तरीके से डिवाइड होगा, 3.78 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो इसको आप खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में कहा है कि ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है उसकी हर साइड 8.1 सेंटीमीटर है, और पैरामीटर ऑफ पॉलीगन जो है वो 72.9 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि उस पॉलीगन की साइड्स कितनी हैं। तो सिंपल है वो, पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन है 72.9 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ है 8.1 सेंटीमीटर,
नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पेरीमीटर को लेंथ ऑफ ईच साइड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एक के बाद है, डेसिमल कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में 10 से कर देंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब ये हुआ 729 डिवाइडेड बाई 81, डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर इन 1 लीटर 1.1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कि यानी 1.1 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है वो 16.5 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, तो आपको बताना है 1 लीटर में कितना ट्रेवल करेगी। सॉल्व करेंगे, अ कार कवर्स डिस्टेंस इन 1.1 लीटर 16.5 किलोमीटर, कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे इसको भी, डिवाइड को आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी 16.5 को 1.1 से डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों ही डिजिट में डेसिमल एक एक डिजिट के बाद है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 से होगा और नीचे 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये वैल्यू बची 165 अपॉन में 11 को डिवाइड करेंगे, 11 जाए 11 5 जाए 55 कैंसिल हो गया, 15 आपका आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जो आप खुद करेंगे, ठीक है, डू योरसेल्फ। थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।